मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं के द्वारा अनुकूलन। क्या आपको याद है जब पहाड़ों पर भ्रमण के लिए जा रहे थे तो आपसे क्या क्या साज सामान ले जाने के लिए कहा गया था? जब आकाश में बादल होते हैं तो आपके माता पिता आपसे छाता ले जाने के लिए कहते हैं। क्या आपने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों को पारिवारिक समारोह आयोजित करने से पहले मौसम के बारे में चर्चा करते सुना है? आपने अवश्य ही खेल शुरू होने से पहले विशेषज्ञों को मौसम के बारे में चर्चा करते हुए सुना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मौसम का किसी खेल पर अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है, इसका हमारे जीवन पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे अनेक दैनिक क्रियाकलाप उस दिन के मौसम के पूर्वानुमान पर आधारित होते हैं। दूरदर्शन, रेडियो और दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रतिदिन मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मौसम है क्या? इस अध्याय में हम मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। हम यह भी जानेंगे कि विभिन्न जीव किस प्रकार अपने आवास को जलवायु के अनुकूलित होते हैं। मौसम चित्र 7.1 में किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित मौसम की जानकारी का एक नमूना दिया गया है। हम देखते हैं कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटों के ताप, आर्द्रता और वर्षा, यदि वर्षा हुई हो, के बारे में जानकारी होती है। मौसम रिपोर्ट में अगले दिन के मौसम के बारे में भी पूर्वानुमान भी प्रकाशित किया जाता है। मौसम सुबह कोहरा रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। शनिवार को अधिकतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस -5 और न्यूनतम 3.6 डिग्री -3 दर्ज किया गया। रविवार को सूर्यास्त 5:45 बजे और सोमवार को सूर्योदय 7:15 बजे होगा। समाचार पत्र से मौसम की रिपोर्ट का एक नमूना। मुझे आश्चर्य है कि इस रिपोर्ट को कौन तैयार करता है। मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। यह विभाग प्रतिदिन विभिन्न संस्थानों से वहां के ताप, पवन, वेग आदि पर आंकड़े एकत्रित करता है और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाता है। क्रियाकलाप 7.1 किसी भी समाचार पत्र से पिछले एक सप्ताह के सभी दिनों की मौसम की रिपोर्ट काट लीजिए। यदि आपके घर में समाचार पत्र नहीं आता है तो आपने किसी पड़ोसी अथवा मित्र से मांग कर रिपोर्ट को अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए। आप पुस्तकालय से भी मौसम की रिपोर्ट एकत्रित कर सकते हैं। सभी खतरनाक कतरनों को कागज की एक शीट अथवा चार्ट पेपर पर चिपका लीजिए। अब सारणी 7.1 में अपने द्वारा एकत्रित की गई मौसम संबंधी जानकारी को नोट कीजिए। आपकी सहायता के लिए पहली पंक्ति में एक नमूना दिया गया है। सारणी के सभी कालमों में अपने चार्ट के अनुसार आंकड़े लिखिए। दिनांक एक सप्ताह 7.1 में किसी एक सप्ताह के मौसम का आंकड़ा। दिनांक 23/8/6 से अधिकतम तापमान डिग्री सेल्सियस में 36.2, न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम आर्द्रता 54%, अधिकतम आर्द्रता 82% और वर्षा mm में। वर्षा की रिपोर्ट प्रतिदिन नहीं लिखी जाती क्योंकि प्रतिदिन वर्षा तो नहीं होती। यदि आंकड़े उपलब्ध न हो तो वर्षा के स्थान को रिक्त छोड़ दें। वर्षा में वर्षा मापी नामक यंत्र है। यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी होती है। क्या आपके द्वारा बनाई गई सारणी के अनुसार सभी 7 दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान, आर्द्रता और वर्षा के माप सामने रहे? आपकी सारणी में नोट किए गए अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ दिनों के लिए समान हो सकते हैं, परंतु सभी प्राचलक जैसे कि तापमान, आर्द्रता, वर्षा किन्हीं 2 दिनों के लिए भी समान नहीं होते। सप्ताह भर में इनमें काफी परिवर्तन हो सकते हैं। किसी स्थान पर तापमान
आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है, इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है अथवा पिछले सप्ताह मौसम गर्म था। मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना, क्षण भर में परिवर्तित हो सकता है। कभी कभी यह हो सकता है कि सुबह के समय धूप निकली हो लेकिन अचानक ही बादल आ जाए और तेज वर्षा होने लगे, अथवा तेज वर्षा अचानक से बंद हो जाए और चटक धूप निकल आए। आपको अवश्य ही अनेक ऐसे अनुभव हुए होंगे। ऐसे किसी अनुभव को याद करने का प्रयास कीजिए और अपने मित्रों को इसके बारे में बताइए। चूंकि मौसम इतनी जटिल परिघटना है अतः इसका पूर्वानुमान लगाना आसान कार्य नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि मौसम इतनी तेजी से क्यों बदलता है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मौसम का स्रोत क्या है। चित्र 7.2 में दिए गए ग्राफ को देखिए। इसमें 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 तक शिलांग मेघालय में रिकॉर्ड किए गए अधिकतम तापमान दिखाया गया है। ये तापमान टेम्परेचर दिनांक में दिखाया गया है। अधिकतम तापमान डिग्री सेल्सियस 26 से स्टार्ट होता है, फिर से 4 को 23 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाता है, यानी 23 और 24 के बीच में आ जाता है, फिर से 5 को 25 पे पहुंच जाता है, 6 को वो 21 और 22 के बीच में आ जाता है, 7 को 25 और 26 के बीच में पहुंच जाता है, 8 तारीख को वो पहुंचता है 23 और 24 के बीच में, 9 तारीख को आपको मिलेगा 24 और 25 के बीच में। 3 से 9 अगस्त के बीच 2006 की समय अवधि में अधिकतम तापमान में परिवर्तन का ग्राफ दर्शाता है। ये अधिकतम और न्यूनतम तापमान 3.86 को 26 डिग्री सेल्सियस, 4.86 को 23.5 डिग्री सेल्सियस, 5.86 को 25 डिग्री सेल्सियस, 6.86 को 22 डिग्री सेल्सियस, 7.86 को 25.5 डिग्री सेल्सियस, 8.86 को 23.3 डिग्री सेल्सियस, 9.86 को 24.4 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि किसी भी मौसम का रिपोर्ट स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस तापमान को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? अध्याय 4 में आपने पढ़ा था कि इस कार्य के लिए विशेष तापमापी होते हैं जिन्हें अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में किस समय तापमान अधिकतम और किस समय न्यूनतम होता है? दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न में अर्थात दोपहर के बाद होता है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्यतः प्रातः भोर में होता है। क्या अब आप समझ गए हैं कि गर्मियों में दोपहर के बाद हम गर्मी में इतनी बेहाल क्यों हो जाते हैं, जबकि सुबह के समय अपेक्षाकृत मौसम सुहावना लगता है? क्या आपने कभी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में सोचा है? आप जानते हैं कि सर्दियों में सायंकाल अंधेरा जल्दी क्यों हो जाता है और आपको खेलने के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता। क्या सर्दियों में दिन की अवधि गर्मियों की अपेक्षा कम होती है? अध्याय के अंत में दिए गए परियोजना कार्य को पूरा करके इसका स्वयं पता लगाने का प्रयास कीजिए। जलवायु मौसम विज्ञान प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़े को रिकॉर्ड करते हैं। पिछले अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड, मौसम के सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। सूर्य अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला है। सूर्य की हमसे दूरी बहुत अधिक है, परंतु सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा इतनी अधिक है कि पृथ्वी से इतनी दूरी होने के बावजूद सूर्य हमारे लिए समस्त ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। अतः सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जो मौसम में परिवर्तन लाता है। पृथ्वी के थल क्षेत्र, समुद्रों और वायुमंडल द्वारा अवशोषित और परावर्तित की जाने वाली ऊर्जा भी किसी स्थान पर मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। यदि आप समुद्र के समीप रहते हैं तो आपने यह अनुभव किया होगा कि आपके स्थान का मौसम रेगिस्तान तथा पहाड़ों के क्षेत्रों के आसपास के मौसम से काफी भिन्न है। सुरक्षित रखे गए हैं इनमें हमें किसी स्थान के मौसम के पैटर्न प्रतिरूप का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़े के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। यदि हम पाते हैं
कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। सारणी 7.2 और 7.3 में हमने भारत के दो शहरों की जलवायु परिस्थितियों का विवरण दिया है। प्रत्येक माह के लिए औसत तापमान की गणना दो चरणों में की जाती है। हम पहले माह के प्रत्येक दिन के लिए रिकॉर्ड किए गए तापमान का औसत निकालते हैं। जम्मू कश्मीर श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर की जलवायु के बारे में, माह औसत तापमान डिग्री सेल्सियस में, दैनिक न्यूनतम दैनिक अधिकतम औसत कुल वर्षा एमएम में, जनवरी -2.3 डिग्री 4.7 57 एमएम, फरवरी में -0.6 7.8 मैक्सिमम 65 एमएम, मार्च में 3.8 13.6 99, अप्रैल में 70.7 7.7 19.4 88, मई में 10.7 23.8 72, जून में 14.7 29.2 37, जुलाई में 8.2 30.0 49, अगस्त में 17.5 29.7 70, सितंबर में 12.9 27.8 33, अक्टूबर में 6.1 21.9 36, नवंबर में 0.9 14.7 27, दिसंबर में -1.6 88.2 43। नोट कुल अन निकटतम पूर्ण संख्या में दिए गए हैं। उसके बाद हम पिछले कई वर्षों में उसी माह के लिए अनेक वर्षों के औसत तापमानों की गणना करते हैं। इससे हमें औसत मध्यमान तापमान मिल जाता है। दो स्थान है जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर और केरल में तिरुवनंतपुरम में सारणी 7.2 और 7.3 देखने पर हम आसानी से जम्मू कश्मीर और केरल के औसत तापमान में अंतर को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि केरल जम्मू और कश्मीर की तुलना में बहुत गर्म और आर्द्र है, जिसमें वर्ष के कुछ भाग में मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु होती है। इस प्रकार के आंकड़े भारत के पश्चिमी क्षेत्रों जैसे राजस्थान के लिए वर्ष के अधिकांश समय औसत तापमान को उच्च दिखाते हैं, लेकिन सर्दियों में जो सिर्फ कुछ माह के लिए होती है तापमान काफी कम होता है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा। तिरुवनंतपुरम केरल जलवायु के बारे में जानकारी, माह औसत तापमान डिग्री सेल्सियस में, दैनिक में न्यूनतम दैनिक में अधिकतम औसत कुल वर्षा एमएम में, जनवरी में 22.2 31.5 23, फरवरी में 22.8 31.9 24, मार्च में 24.1 32.6 40, अप्रैल में 24.9 32.6 117, मई में 24.7 31.6 230, जून में 23.5 29.7 321, जुलाई में 23.1 29.2 227, अगस्त में 23.2 29.4 138, सितंबर में 23.3 30 175, अक्टूबर में 23.3 29.9 282, नवंबर में 23.1 30.3 185, दिसंबर में 22.6 31 66 mm वर्षा होती है। ये किसी मरुस्थली जलवायु के लक्षण हैं, जहाँ जलवायु गर्म और शुष्क होती है। उत्तर पूर्वी भारत में वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व की जलवायु आर्द्र है। जलवायु और अनुकूलन जलवायु के सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम शीत अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होते होंगे। अपनी कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तक के अध्याय 9 में दी गए अनुकूलन की परिभाषा को याद कीजिए। वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश के अनुकूलन में सहायक होते हैं, विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। इस पुस्तक के अध्याय 9 में आप मौसम और जलवायु के मृदा पर प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम केवल जंतुओं पर जलवायु के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। छठी कक्षा में आपने कुछ आवासों वास स्थानों के लिए जंतुओं के अनुकूलन के विषय में पढ़ा था। जंतुओं के जलवायु परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल ध्रुवीय क्षेत्रों और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले कुछ जंतुओं की चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ध्रुवीय क्षेत्रों ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवीय क्षेत्रों के कुछ परिचित
देश कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और अमेरिका में अलास्का और रूस के साइबेरिया क्षेत्र हैं। भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहां उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। क्रियाकलाप 7.2 विश्व का मानचित्र लीजिए। ध्रुवीय क्षेत्रों को नीले रंग से दिखाइए, इसी प्रकार उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों को लाल रंग से दिखाइए। ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ वर्षा के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है और बाकी 6 महीने तक यह सूर्योदय नहीं होता है। सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। आइए हम ध्रुवीय भालू, पोलर बियर और पेंगुइन के उदाहरण से यह जानने का प्रयास करें कि वे किस प्रकार वहाँ की जलवायु के अनुकूलित हैं। ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफेद बाल फर होते हैं, जिससे वे बर्फ की सफेद श्वेत पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते। इससे उन्हें अपने पर पक्षियों, शत्रुओं से बचाव में सहायता मिलती है। साथ ही इससे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। इन्हें चरम शीत से बचाने के लिए इनमें बालों, फरों की 2 मोटी परतें होती हैं। इनकी त्वचा के नीचे वास की एक परत होती है। वास्तव में ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक न हो जाए। ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालुओं को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है, अतः ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते रहते हैं। ये अच्छे तैराक होते हैं। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं, जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में इनकी सहायता करते हैं, इसके पर पक्षी और शिकार इसे आसानी से देख नहीं पाते हैं। सफेद बालों के कारण सफेद बर्फ की पृष्ठ में आसानी से दिखाई नहीं देता। इसमें सूंघने की शक्ति, घ्राण शक्ति तीव्र होती है। यह भालू को अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने में सहायक होती है। इसके नखर, नाखून मुड़े हुए, लंबे और पैने होते हैं। यह इन्हें बर्फ पर चलने में सहायता करते हैं। इसकी त्वचा के नीचे वास की एक परत होती है। इनका शरीर शीतरोधी होता है और इसे गर्म रखता है। यह सर्द मौसम में इसे गर्म रखती है। इसके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती हैं और ये पर्वतीय और शिकार इसे आसानी से देख पाते हैं। ध्रुवीय भालू के अनुकूलन क्षमता है, बल्कि उन्हें बर्फ में चलने में भी सहायक होते हैं। तैरते समय ये अपने नाखून को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। ध्रुवीय भालू की सूंघने की शक्ति, घ्राण शक्ति तीव्र होती है, जिससे ये भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज व पकड़ सकते हैं। हम ध्रुवीय भालू के अनुकूलन को चित्र 7.3 में दिखाए गए प्रवाह चित्र द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में एक अन्य परिचित जंतु पेंगुइन, चित्र 7.4, ये सभी सफेद श्वेत होते हैं और ये पेंगुइनों का झुंड, ये दिखाया गया चित्र में पेंगुइनों का झुंड आसानी से बर्फ की सफेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वास होती है। आपने पेंगुइनों के झुंड को चित्र देखे होंगे। स्वयं को गर्म रखने के लिए वे ऐसे करते हैं। यदि याद कीजिए कि जब आप खचाखच भरे किसी कमरे में या हाल में होते हैं तो आप कितना गर्म महसूस करते हैं। ध्रुवीय भालू की तरह ही पेंगुइन भी अच्छी तैराक होते हैं। इनका शरीर धारा रेखित होता है और इनके पैरों में जाल जैसे जैसा बना होता है, जिससे ये अच्छे तैराक होते हैं। चित्र 7.5 में दिखाया गया है, 7.5 में पेंगुइन के पैर, ये पैर दिखाए गए हैं। क्या मछली और तितलियां भी पक्षियों की तरह प्रवास करती हैं? ध्रुवीय क्षेत्र में रहने
वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछली, कास्तूरी मृग, रेनडियर, लोमड़ी, सील, वेल तथा अन्य कई प्रकार की पक्षी सम्मिलित हैं। नोट कीजिए, जहां मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है, वहीं पक्षी को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसी कारण अनेक प्रकार की पक्षी सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। सर्दियां समाप्त हो जाने पर वे पुनः अपने आवास पर वापस लौट आते हैं। शायद आप जानते होंगे कि भारत ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है। आपने साइबेरियन क्रेन के बारे में सुना होगा, जो साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों में भी प्रवास के लिए आ जाते हैं। चित्र 7.6 में दिखाया गया है। ये पक्षी साइबेरियन क्रेन जो कि प्रवास के लिए आ जाते हैं। आवास पक्षी अपने आवास तथा उड़ान में उष्णकटिबंधीय वर्षावन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है, क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित हैं। क्या आप जानते हैं, कुछ प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम जलवायु परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किमी तक की यात्रा करते हैं। सामान्यतः ये अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं, जहां वायु प्रवाह उड़ान में सहायक होता है। इस ऊंचाई की शीत स्थितियां उनकी उड़ान पेशियों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का भीषण आसान कर देती है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर कैसे आते रहते हैं, यह एक रहस्य है। ऐसा लगता है कि इन पक्षियों में दिशा का सहज बोध होता है और ये जानते हैं कि किस दिशा में उड़ना है। मार्गदर्शन के लिए संभवतः कुछ भू चित्रों लैंडमार्क का उपयोग करते हैं। सामान्यतः अनेक पक्षियों को दिन में सूर्य और रात्रि में तारों से मार्गदर्शन मिलता है। इसके भी कुछ प्रमाण हैं कि पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। केवल पक्षी ही ऐसे जंतु नहीं है जो प्रवास करते हैं, अनेक स्तनधारी जीव, अनेक प्रकार की मछलियां और कीट भी अधिक अनुकूलित जलवायु की तलाश के लिए मौसमी रूप से प्रवास करते हैं होते हैं। सबसे सर्द महीनों में भी तापमान सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से हो जाता है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। वर्षा वनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में बंदर, कप, एप्स, गुरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पंछी और कीट हैं। आइए अब हम गर्म आर्द्र जलवायु के लिए इन जंतुओं के अनुकूलन के बारे में अध्ययन करें। वर्षा वनों में जलवायु परिस्थितियां अनेक किस्मों की जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। चूंकि जंतुओं की जनसंख्या अधिक होती है, अतः उनमें भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होती है। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। लाल नेत्रों वाले मेंढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं, जो उन्हें उन वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं जिन पर वे रहते हैं। चित्र 7.7 में लाल नेत्रा वाला मेढक वृक्षों पर आने में सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूंछ होती है, जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है। चित्र 7.8 में इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिससे ये आसानी से शाखाओं को थामे रहते हैं। न्यू वर्ल्ड मंकी बंदर
इन वनों में आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर स्पर्धा होती है। कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं जहां अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुंच सकते। उदाहरण के लिए कुतुकन नामक पंछी की लंबी बड़ी चोंच होती है जिसकी सहायता से वह ऐसी शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच सकता है जो बहुत कमजोर होती है और उसका भार नहीं सह सकती। चित्र 7.8 में टुकन पक्षी दिखाई गई है। उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा और ऐसे वर्ण रंग की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्रों के साथ मिलकर छद्म आवरण करने में सहायक होती है और उनकी परभक्षियों से रक्षा करती है। उदाहरण के लिए बिलवा परिवार के जंतुओं शेर और चीता में मोटी खाल होती है तथा उनके सुनने की शक्ति संवेदनशील होती है। ये लायन टेल्ड लंगूर मंकी लायन टेल्ड लंगूर जिसे दाढ़ी वाला एप भी कहते हैं पश्चिमी घाट के सावनों पे पाया जाता है। चित्र 7.10। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी चांदी जैसी सफेद श्वेत आयल है जो सिर के चारों ओर गालों और चिपकू थोड़ी तक रहती है। यह वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है और अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पर ही व्यतीत करता है। यह मुख्यतः फल खाता है, बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कालियां भी खाता है। लायन टोल्ड लंगूर वृक्षों की छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहता है। चूंकि ये लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं अतः वे भूमि पर यदा कदा ही आते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय ये वनों वर्षा वन का एक अन्य परिचित जंतु हाथी। चित्र 7.11। हाथी अनेक प्रकार से वर्षा वनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। इसकी सूंड को ध्यान से देखिए जिसका उपयोग वह नाक के रूप में करता है। लंबी सूंड से इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है। यद्यपि इसके बाह्य दंत जिन्हें रद्द कहते हैं वास्तव में रूपांतरित दंत होते हैं। इन दांतों से हाथी अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते हैं अतः भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होता है। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्के ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान सहायक होते हैं। भारतीय हाथी चित्र 7.11 में दिखाया गया है। प्रमुख शब्द अनुकूलन जलवायु मौसम के घटक आर्द्रता अधिकतम तापमान प्रवाह न्यूनतम तापमान ध्रुवीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मौसम दिखाए गए हैं। आपने क्या सीखा? किसी स्थान का आर्द्रता वर्षा पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। मौसम सामान्यतः किन्हीं 2 दिन अथवा सप्ताह दर सप्ताह समान होती है। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न दोपहर बाद में जबकि न्यूनतम तापमान प्रातः भोर होता है। वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी परिवर्तित होता रहता है। मौसम के सभी परिवर्तन वर्ष सूर्य में संचालित होते हैं। दीर्घ अवधि वर्ष 25 वर्ष के लिए गए मौसमों के प्राचलनों के आधार पर तैयार किए गए प्रतिरूपी पैटर्न उस स्थान की जलवायु निर्धारित करते हैं। उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों पृथ्वी के दो ऐसे क्षेत्र जहाँ की चरम जलवायु परिस्थितियाँ होती हैं। जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूल होते हैं जिनमें वह वास करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर बहुत सर्दी रहती है। ध्रुवों में वर्ष के 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है और से 6 महीनों में सूर्योदय नहीं होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों के जंतु कुछ विशेष गुणों के कारण जैसे शरीर पर श्वेत सफेद फर, सूंघने की तीव्र शक्ति, त्वचा के नीचे वास की परत, तैरने और चलने के लिए चौड़े और लंबे नखरों आदि के कारण अत्यधिक सर्द जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। अतिशीत मौसम से बचने के लिए प्रवास एक अन्य साधन है। अनुकूलन जलवायु परिस्थितियों के कारण उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पादप और जंतुओं की विशाल जनसंख्या पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जंतु इस प्रकार अनुकूलित होते
हैं कि उन्हें अन्य प्रकार के जंतुओं से भिन्न भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है ताकि उनमें परस्पर स्पर्धा कम से कम हो। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले जंतुओं के कुछ अनुकूलन में वृक्षों पर आवास, मजबूत पूंछ की विकास, लंबी और विशाल चोंच, चटक रंग, तीखे पैटर्न, प्रतिरूप, तीव्र स्वर ध्वनि, तेज आवाज, फलों का आहार, सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा, खाल पर भांचियों से बचने के लिए छदाम आवरण की क्षमता आदि सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। गम क्रियाकलाप और परियोजना कार्य। शीत ऋतु के किसी महीने, उदाहरणतः दिसंबर में लगातार 7 दिन की मौसम की रिपोर्ट नोट कीजिए। ऐसे ही रिपोर्ट ग्रीष्म ऋतु के किसी महीने, उदाहरणतः जून के 7 दिनों के लिए बनाइए। अब अपने रिकॉर्ड के आधार पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सारणी नोट कर सकते हैं। सारणी में सूर्योदय के दिनांक, सूर्योदय, सूर्यास्त दिनांक, सूर्योदय, सूर्यास्त जून और दिसंबर के महीने में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास भी कर सकते हैं। ग्राफिक बनाने के लिए निर्देश भी दे सकते हैं। क्या आप जानते हैं, ये साइट पे जा सकते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए यदि संभव हो तो आप www.imd.gov.in पर आपकी वेबसाइट देखिए। इस विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर संक्षिप्त रिपोर्ट लिख लीजिए। क्या आप जानते हैं, वर्षावन पृथ्वी की सतह के लगभग 6% भाग को घेरे हैं, फिर भी इनमें पृथ्वी के आधे से अधिक जंतुओं, पादपों और लगभग 2/3 पुष्पीय पादपों की किस्में पाई जाती हैं। हालांकि इस क्षेत्रों के जीवों के बारे में हम अभी भी पूर्ण जानकारी नहीं